मित्रों, पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की दो पार्लियामेंट सीट्स, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट जिस पर श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब लगातार तीसरी बार शानदार तरीके से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब लगातार तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर जम्मू सांबा और रियासी जिले की जनता का धन्यवाद करता हूं, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मैं उधमपुर कठुआ डोडा किश्तवाड़ तथा रामबन की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उधमपुर पार्लियामेंट सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को आवाम का, जनता का, वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भी हुई है। साथियों, जम्मू कश्मीर की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों पार्लियामेंट सीट्स को जीता। जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से, अवाम की दुआओं से, अवाम के सपोर्ट से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, माताएं बहनें, मातृशक्ति, गांव शहर पहाड़ मैदान हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सपोर्ट मिली है, समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, कश्मीर घाटी की तीन सीटें जिसमें अनंतनाग और वहीं जम्मू संभाग का रजौरी पुंछ जिस संसदीय क्षेत्र में आता है, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट में भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थे उन्होंने शानदार वहां मत प्रतिशत हासिल किया है। मैं अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी तथा पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सारी दुनिया ने देखा है कि अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पुंछ में अपने जो थे उसमें हमेशा अनंतनाग, रजौरी, पुंछ की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं
अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जिला रजौरी और पुंछ की आवाम का दिल की अमीन तरीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो श्रीनगर पार्लियामेंट सीट है, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा आता है, मैं वहां की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां भी बड़े पैमाने पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। खासकर नौजवान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा, और वहीं बड़गाम जिले का कुछ हिस्सा जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट पर आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की आवाम ने, वहां के लोगों ने, खासकर नौजवानों ने बहुत सपोर्ट किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जो कारवां आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बेस कश्मीर के अंदर आज बन रहा है, ये आने वाले सालों में और मजबूत होगा। और वो दिन भी हम यकीनन देखेंगे जब वादी कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जीतेंगे और एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी के वादी कश्मीर से जीतेंगे। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो पूरे जम्मू कश्मीर में यहां की आवाम ने जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, यहां की आवाम ने, यहां के वोटर्स ने, यहां के नौजवानों ने, यहां इस जम्मू कश्मीर में हमारी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने जो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं अपनी आवाम का मशकूर हूं जो पिछले 10 सालों में मोदी साहब ने डेवलपमेंट के बड़े बड़े काम किए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे को मजबूत किया, जो जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया, ये इसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त वोटिंग हुई। पिछले माजी के तमाम रिकॉर्ड्स 2024 के लोकसभा चुनावों में वोटिंग के पुराने रिकॉर्ड तोड़कर आवाम ने नए रिकॉर्ड बनाए। जम्मू कश्मीर में 58% से ऊपर ओवरऑल वोटिंग हुई। यहां जम्मू रीजन के अंदर जबरदस्त वोटिंग हुई। वहां हमने देखा कि वादी कश्मीर के अंदर भी जबरदस्त तरीके से लोगों ने इस जमहूरी निजाम में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में भाग लिया, जिसके लिए हम जम्मू कश्मीर की जनता का भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस इलेक्शन की प्रोसेस में लगे हर एक सरकारी कर्मचारी का, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय सेना के जवानों का जिन्होंने इस सारे चुनाव को जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से इस चुनाव को संपन्न करवाने में कड़ी मेहनत की है। यह चुनाव बहुत अच्छे से हुआ, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना इस चुनाव के अंदर नहीं हुई, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। ये भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर खुशहाली, अमन और भाईचारे के नए मकाम छू रहा है। मैं दिल की गहराइयों से अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मेहनत की और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने की ओर आज हम अग्रसर हैं। यह सबकी मेहनत का एक परिणाम है। राणा साहब, उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट करके लिखा है कि मनोज सिन्हा जो है उन्होंने यहां से खराबी कर ली थी, साथ ही वहां गाजीपुर गए और वहां बीजेपी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि माजी में जम्मू कश्मीर के हालात कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत मुश्किल दौर देखा है। एक जमाना था जब जम्मू से कोई गाड़ी कश्मीर की ओर निकलती थी तो रास्ते में 20 जगह पर सवारियों को, यात्रियों को नीचे उतार के चेकिंग्स की जाती थी। एक जमाना था जब वादी कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक दौर था जब वादी कश्मीर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था। एक दौर था जब वादी कश्मीर के बाजार बंद होते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अक्सर बंद रहते थे, सड़कें सुनसान रहती थी। एक दौर था जब कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी होती थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था। लेकिन आज के इस जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, भाईचारा है। आज बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है। गांव गांव और शहर शहर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से लोग यहां आ रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है, हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की देन है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी बहुत मेहनत की है। सियासी बयानबाजी सियासत के अंदर होती रहती है, लेकिन श्री उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का निर्माण मोदी साहब ने किया है, जिस जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हक दिए गए हैं। वो चाहे हमारे दलित समाज के भाई बहन हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के भाई बहन हो, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हो, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी, सिपी, शीना, ओबीसी कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, पीओजेके के रिफ्यूजीज, विस्थापित समाज, जम्मू का डोगरा समाज या हमारे कश्मीरी भाई बहन, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और यही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। यह नए जम्मू कश्मीर की नई पहचान है कि कभी कभी इलेक्शन बायकॉट करने वाले तंजीमों के बड़े नेता आज सबसे पहले निकले वोट करने और उन्होंने मुल्क की इस जमहूरियत को सलूट किया है।
ये एक नई पहचान जम्मू कश्मीर को आज अगर मिली है तो इसके लिए मोदी साहब और यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लीडर्स महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला लगातार लोगों में ये 370 क्या रहा गला आपने, लेकिन जनता ने दोनों लीडर्स को नकार दिया और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हारे हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर की जनता मान चुकी है कि 370 पर इन लोगों ने सिर्फ सियासत ही खेला है? यहाँ जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, वहीं कश्मीर घाटी में अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर जनाब मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने इलेक्शन जीता है, मैं मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से जनाब आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर साहब की जीत हुई है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। यही तो हिंदुस्तान के इस जमहूरी निजाम की खूबसूरती है कि सरकार हुकूमत अवाम के हाथ में होती है, अवाम जिसे चाहे उसको हुकूमत सौंप सकती है। और जम्मू कश्मीर की अवाम ने फैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे और बुरे तरीके से वो धराशायी हुए हैं। अवाम ने उन बड़े दिग्गजों को कश्मीर घाटी में जो है वो उनको नकार दिया है और एक नई लीडरशिप, एक नया नेतृत्व कश्मीर घाटी के अंदर उभर कर सामने आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, पंचायतों के इलेक्शंस होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज यहां शहरी इलेक्शंस होंगे, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शंस भी होंगे, एक नई लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप, हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले लोग, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले लोग यहां जीत कर आएंगे। और जहर घोलकर सियासत करने वालों को अवाम ने आईना दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। लोकसभा सीट से भाजपा ने अपनी पार्टी को ओपनली सपोर्ट किया था, लेकिन रिजल्ट में अपनी पार्टी कहीं भी नजर नहीं, और एक तरफ रिजल्ट अनंतनाग लोकसभा सीट पर देखने को मिला। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। रजौरी पुंछ की 7 पार्लियामेंट जो इस पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी पुंछ में जो 7 असेंबली सेगमेंट्स रजौरी पुंछ की आती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट किया उसने अच्छे वोट लिए हैं। अगर आप खुद देखेंगे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,000 के करीब करीब वोट वहां की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सपोर्टेड कैंडिडेट को दिए। इसी प्रकार 20,000 से ऊपर वोट रजौरी असेंबली
सेगमेंट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां प्राप्त हुए। और इसी प्रकार बुद्धल, थन्नामंडी, दरहाल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट और पुंछ हवेली में भी अच्छे खासे वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से वहां जनता ने डाले हैं। मैं रजौरी पुंछ की जनता का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं पहाड़ी कबीले के लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के गुर्जर्स, बकरवाल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ मिलकर अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में इस इलेक्शन अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं साउथ कश्मीर की आवाम का, अनंतनाग जिला, कुलगाम जिला और शोपियान जिले की आवाम का कि उन्होंने भी, वहां के भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने मेहनत की और वहां के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान इस पार्लियामेंट सीट पर रहा है। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला पार्लियामेंट सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं अपने तमाम वर्कर्स का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। लगातार 10 साल सरकार में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। 60 सालों के बाद देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने पुनः श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व पर विश्वास किया है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने करीब करीब 300 लोकसभा की सीटें जीती हैं। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन, इसका मुकाबला अपोजिशन पार्टी से करेंगे तो कांग्रेस समेत जो इंडी अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नंबर 234 तक पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। अगर दूरबीन लगाकर भी दूर दूर तक इन इलेक्शंस के रिजल्ट में कोई अगर कांग्रेस को ढूंढेगा तो दूरबीन लगाकर भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रही है। और उसी प्रकार पूरे देश में कांग्रेस समेत तमाम इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, उनकी जबरदस्त हार हुई है।
और इस हार को भी सारी दुनिया ने देखा है कि जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की जमानतें जब्त हुई हैं, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी समेत तमाम अपोजिशन की जमातें जिन्होंने इस इलेक्शन में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, उन तमाम सियासी जमातों को रिजेक्ट करके पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पर अपना भरोसा जताया है और अपने दम पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब फिर से तीसरी बार भारत देश की बागडोर संभाल रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा खुशी के साथ झूम रहा है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार। सर, 2024 चुनाव से पहले पीओके की बड़ी बात होती रही, अब 2024 के चुनाव हो गए हैं, पूरे हो गए, आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में पीओके के लोग यहाँ पर वोट डाल सकेंगे, ऐसी फिर संभावना लग रही है? देखिए, इस वक्त पूरे भारत में इस वक्त जश्न का माहौल है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत मोदीमय है, पूरा देश जश्न मना रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और आप सबकी जो इच्छा है वो भी भारत पूरी करेगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों को 10 लाख वोट मिले, तो आपकी नजर में 10 लाख वोट कुछ नहीं है, जीरो है? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, जिस तरीके से वो तमाम राजनीतिक दल जो कभी जम्मू कश्मीर की सत्ता का केंद्र होते थे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मदद ली और पीडीपी से भी मदद ली, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है। अभी प्रचार में आपने कहा कि हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया था, आपको लगता है कि बीजेपी का जो 100% वोट था वो जो है ट्रांसफर हो पाया है अपनी पार्टी को, और अगर हो पाया तो तब भी जमानत जब्त हुई है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर बहुत अच्छा समर्थन जनता ने रजौरी और पुंछ क्षेत्र में भी दिया है और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में भी वहां की जनता ने जो है वो सपोर्ट किया है। अन्य क्षेत्रों के जो चुनाव के एनालिसिस यकीनन किए जाएंगे और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो या अन्य इलेक्शंस हो, उनकी तैयारियों के सिलसिले में भी महत्वपूर्ण जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, एनालिसिस होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। थैंक यू। हमने सवाल किया था आपसे, आपने कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बस, अब सिंगल बाइट, सिंगल 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 सिंगल
सिंगल बाइट देना मुश्किल आएगा, सिंगल बाइट कैलेंडर जी। अमेरिका अमेरिका।